दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। लव जिहाद का मामला सामने आने और आरोप मामला दर्ज करवाने के बाद पीड़िता सोमवार को एसएसपी अमित सांगी से मिलने के लिए दोपहर में पहुंची और एसएसपी सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसएसपी ने पीड़िता को पूरी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। इस दौरान अपने साथ हुई सभी घटनाओं को एसपी को बताया। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के जांगीपुरा में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 26 वर्षीय हिंदू युवती को 7 महीने तक मुस्लिम परिवार ने बंधक बनाकर रखा। इनके चंगुल से मुक्त होने के बाद शनिवार को युवती बड़ी बहन के साथ महिला थाने पहुंची। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इमरान ने राजू जाटव बनकर शीतला माता मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उसके साथ शादी की थी। उसके बाद उसे मुस्लिम होने का पता चला तो उसने इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर भी किया। मौलाना ने इस्लाम कबूल कराने के बाद उसका इमरान के साथ निकाह कराया। उसी रात मौलाना ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पाक साफ करने के नाम पर मौलाना ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। वही पीड़िता ने बताया कि हिंदू से इस्लाम कबूल कराने के बाद मौलाना ने पाक साफ करने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी तरह से पीड़िता ने एसएसपी को सहित अन्य लोगों के द्वारा की गई जाति को लेकर सभी घटनाएं बताई। एसएसपी ने पीड़िता की सुनने के बाद उसे पूरी का आश्वासन दिया है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस उसकी पूरी तरह से सुरक्षा करेगी। साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बचे हुए आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जल्द ही सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। उनके साथ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। मेरे दो दोनों देवर मुझसे उल्टी की जगह पर चेड़ा पानी करने लगे। मैंने अपने पति को और सास को बताया तो वो लोग मुझसे कहते हैं देवर है तो क्या हुआ, देवर तो मजाक करते हैं। फिर कुछ समय के बाद वो मेरी सास ने कहा कि इनके साथ उनको सोना पड़ेगा। मैंने कहा आप क्या कह रही हैं। उसके बाद उनने मुझसे ऐसे कहा तो मैंने अपनी सास में थप्पड़ मार दिया। उसके बाद मेरे देवर आमंद ने मुझे बहुत बुरा मारा और जबरदस्ती मेरा बलात्कार किया। रूम उसको कमरे में बंद रखने लगे। मैंने कहा मैं थाने जाऊंगी, आप लोग भी कंप्लेंट करूंगी तो मेरी सास मेरे देवर को मोरनी वगैरह सब लोग कहते हैं देखना ही लोग के बगल से भागना पाए तो वो लोग मुझे बंद रखते थे। मुझे कोई खाना पीना नहीं देते थे। फिर मैंने उससे कहा उस चीज का विरोध करती थी तो मेरा देवर अमन मुझे निकाल के कट्टा बंदूक निकाल के मुझे बताता था कि अगर जैसे तुमने अगर उसके खिलाफ कुछ भी किया या कभी भी तुम घर से भागी तो जैसे मैंने उसने उसकी पहली बीवी को लटका दिया था हम लोगों ने वैसे ही तेरे को भी लटका देंगे। ये दो आराम से धर्म परिवर्तन मेरे मेरे मर्जी के खिलाफ नहीं, उन्होंने मुझसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। उस दौरान मौलाना ने मेरा बलात्कार किया। उसके बाद दोनों देवर भी मेरे साथ उनका सीधा हरकते करते थे। फिर कुछ समय बाद मेरी सास ने कहा कि इसके साथ ही तुम्हें संबंध बनाने पड़ेंगे अगर इस घर में रही तो। उन्होंने मेरा बलात्कार किया। अमन और पुन्नी मेरे देवरों ने मेरी सास कुछ लोगों को बाहर के लोगों को लेके आती थी, उनसे पैसे लेती थी और मुझसे गलत काम करवाती थी। लेकिन मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे उन लोगों से वो बहुत खतरनाक लोग हैं। उनके घर में हथियार वगैरह काफी कट्टे बंदूक तलवारें रहती हैं। मुझे उनसे बहुत लगता है अगर मैं पापा डरा गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे मेरी सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मांग में आए।